नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में क्या कुछ हो रहा है। आपके सवाल होंगे, आपने अगर कुछ ट्रेड लिया है या नया ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से। गोल्ड का भाव 45,000 के ऊपर टिका हुआ है और 200 रुपये तक की मजबूती है। नए वित्त वर्ष का पहला दिन है, लेकिन गोल्ड में एक तेज़ी का माहौल बन रहा है। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं, ग्लोब कैपिटल के, और तरुण सत्संगी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, बताएं गोल्ड का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिए कैसा रहने वाला है, और बिल्कुल आज चूंकि एक लॉन्ग वीकेंड है तो आज ऐसा कोई ट्रेड बताएं आप गोल्ड में इस वक्त, जो इस भाव पर लिया जाए और आज रात में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। जी मृत्युंजय जी, शुक्रिया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है मृत्युंजय जी कि $1700 के नीचे बाजार में वापस से एक बार खरीदारी लौटते हुए देखने को मिली है, और जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में वापस से लॉकडाउन निकल कर आ रहे हैं उसके चलते यहाँ पर गोल्ड में एक अच्छी रिकवरी, अच्छी बाइंग, बार्गेन वैल्यू बाइंग मैं कहूँगा कि लौटते हुए देखने को मिली है। साथ ही साथ जो US की तरफ से नया स्टिमुलस के एक अनाउंसमेंट की बात चल रही है उसके चलते भी यहाँ पर गोल्ड की कीमतों में थोड़ा सा सपोर्ट आते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ पर एक रिकवरी बनते हुए नजर आएगी। गोल्ड के प्राइसेस नियर टर्म में काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड थे और इसके चलते हमने देखा कि अच्छी रिकवरी एक प्राइसेस में देखने को मिली। जहाँ तक आज के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात है मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि यहाँ से आज के सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा 45,000 के आसपास गोल्ड में खरीदारी, 44,850 का एक इंट्राडे के लिए सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 45,300 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात मृत्युंजय जी ये रहेगी कि अगर वीकली क्लोजिंग 45,200 या 45,300 के ऊपर देखने को मिलती है तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले हफ्ते हम 45,800 और 46,000 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आपका क्या कमेंट होगा तरुण जी? आपको भी लगता है कि गोल्ड इस बार 45,000 के ऊपर लंबे समय तक होल्ड कर सकता है और इस भाव पर बाइंग करनी चाहिए? आपका क्या सुझाव? हाय, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। हमने देखा है कपल ऑफ वीक से गोल्ड 45,300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसा कि मेरा सहयोगी ने कहा, आई थिंक 45,300 के ऊपर क्लोज देगा तो इसमें फर्दर अपलेग देखने को मिलेगा, एंड इन सच अ केस 45,846,000 देखे जा सकते हैं। अगर वो लेवल नहीं कटेगा तो आई थिंक 44,100 से 45,300 एक रेंज है जिसके अंदर प्राइस एक्टिविटी होवर होते हुए नजर आएगी। नन द लेस, शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो मैं सलाह दूंगा 44,850 रेंज मिले तो बाय करें। जब तक 44,700 के नीचे नहीं प्राइस जाएंगे इंट्राडे में, आई थिंक बायस जो रहेगा वो पॉजिटिव साइड पे टिल्टेड रहेगा, एंड 45,250 आज देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर, और यहां पर किस तरह का ट्रेड आपको लेना है ये हम आपको बता रहे हैं। चांदी का मार्केट आपको हिमांशु जी आज शाम के लिए कैसा लग रहा है, और चांदी में इस भाव पर क्या करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, लास्ट वीक हमने इसी समय इस शो में डिस्कस किया था कि सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, और दो दिन पहले और कल हमने इनफैक्ट देखा कि 62,500 तक के लेवल्स सिल्वर में टेस्ट हुए, जो कि 200 दिन का एक मूविंग एवरेज है, टेक्निकल चार्ट्स पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है वो लेवल, और वहीं के लेवल टेस्ट होने के बाद एक अच्छी रिकवरी सिल्वर के प्राइसेस में भी देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से सिल्वर के प्राइसेस में भी आज के सेशन में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि खरीदारी के लिहाज से मैं सजेस्ट करूंगा कि 63,700 63,600 के आसपास कोई अगर डिप मिलता है शाम के सेशन में तो वहाँ पे खरीदारी करें। 63,400 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 64,500 तक के टारगेट्स यहाँ पर सिल्वर में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है इंद्रजीत का, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है सर, मैंने जी सुन रहा हूँ, पूछे। 68,000 में मैंने सिल्वर बेचा है और कल मैंने 63,200 में फिजिकल में लिया भी है, लेकिन मेरे को और लेना है दो लॉट में, तो कौन सी रेंज में लूँ?
ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए तरुण जी, किस रेंज में इनको चांदी में बाइंग फिर से करनी चाहिए? आई थिंक 64,500 के ऊपर जब तक कि सिल्वर के प्राइस नहीं चलेंगे, जो ट्रेंड है वो वीकर ही देखने को मिलेगा। साइमल्टेनियसली हमने देखा बेस मेटल खास परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका भी इम्पैक्ट इस काउंटर पर आ रहा है। आई थिंक 62,000-2,500 के आसपास अगर इनको प्राइस मिलते हैं वहाँ पर बाय करेंगे वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये जो कल रैली आया हो सकता है एक दो दिन देखने को मिले, बट अंडरटोन अभी भी सिल्वर और गोल्ड का नेगेटिव ही है। हम ऑफरेट वंस अगेन करेक्शन आते हुए इन दोनों काउंटर में देखेंगे 62,500 का प्राइस मिले वहां पर इनको बाय करना चाहिए। जी अगला सवाल है शिरीष का, पूछिए शिरीष जी। सर सोया ऑयल में क्या बाय करना चाहिए क्या ये लेवल पे भी? सोया ऑयल में, ओहो सोया ऑयल, हमारे साथ जो दोनों एक्सपर्ट हैं एग्री को शायद ट्रैक नहीं करते, फिर भी मैं तरुण जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आप ट्रैक करते हो ऑयल कॉम्प्लेक्स को तो क्या आप ये बता पाएंगे कि सोया तेल अभी और ऊपर जाएगा? अस्सी देखिए हमने देखा है पोस्ट कोविड है ना, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने को मिली लास्ट ईयर, इस ईयर में भी हमने देखा है काफ़ी अच्छी रैली आई है, बट यहाँ से आगे मुझे ऐसा लगता है कि सप्लाई साइड ईज होगी। ब्राज़ील से क्रॉप अच्छा है, यूएस में अच्छा क्रॉप है, साइमल्टेनियसली मस्टर्ड का क्रॉप अभी हिट करेगा, डोमेस्टिक बोर्सेज के अंदर CPO के प्रोडक्शन बढ़ते हैं अप्रैल ऑनवर्ड से, सो इन टोटलिटी मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिलेगा आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए, एंड जो इसमें हाई लगने हैं वो या तो लग चुके हैं या अप्रैल मंथ में लग जाएंगे, तो ये काउंटर ऐसे यहाँ पे आई थिंक बाइंग अवॉइड करना चाहिए। ऑफ लेट इन काउंटर में सॉफ्टनेस देखने को मिलेंगे, जब सॉफ्टनेस का इसमें इरा चालू होगा तो आई थिंक सेलिंग साइड में जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा। ओके अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार, सर जी पूरा एग्री वायदा तेज है तो गुआर 5,000 कब तक हो जाएगा सर? गुआर 5,000 कब तक हो जाएगा? तरुण जी क्या उम्मीद है, क्या संभावना आपको दिख रही है गुआर के 5,000 तक जाने की? 5,000 का कॉल लेना काफ़ी लंबा होगा यहाँ से, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जब भी ग्वार के प्राइस 3,500 के आसपास आते हैं काफ़ी अच्छा बॉटम फिशिंग होता है, और हम लोग हिस्टोरिकल लोस के आसपास ही अभी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पोजीशन को होल्ड रखेंगे तो सर्टेनली 4,400-4,500 देखने को मिल सकता है इनको अगले 2 से 3 महीने के अंदर। ओके अगला सवाल है दिनेश का, महाराष्ट्र से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, दिनेश पूछिए। हाँ सर, कॉटन ऑयल के पाइप लॉट बाय मेरे 2330 पर MA कॉन्ट्रैक्ट में, और फिजिकल में इस रेट पर लेना चाहिए क्या? और बताइए तरुण जी, कॉटन ऑयल केक में और बाइंग करनी चाहिए क्या? देखिए इसका जो सीज़न होता है वो बेसिकली समर ही होता है, क्योंकि मेन कैटल फीड यूज़ किया जाता है गुजरात एरियाज के अंदर, एंड हमने देखा है कि अप्रैल से लेकर जब तक रेनी सीजन का ऑनसेट नहीं होता इस काउंटर के अंदर फर्मनेस रहती है, और सर्टेनली जिस तरीके से कॉटन के प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं उसका भी एडेड एडवांटेज इस काउंटर को मिल रहा है, बाय करना चाहिए इनको। मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में 3,000 तक के भी प्राइस देखे जा सकते हैं। ओके अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदरपुर से हमारे साथ, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर, सर एल्युमिनियम और लेड का ट्रेंड बताने का कष्ट करें। एल्युमिनियम और लेड का ट्रेंड, एल्युमिनियम और लेड का ट्रेंड बताइए हिमांशु जी, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप एल्युमिनियम का और लेड का? जी एल्युमिनियम में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है, और यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि आगे चल के कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। आज के लिए या बहुत नियर टर्म के लिए अगर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात की जाए तो मुझे लगता है 176.50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजिशन में बने रहें। 182 से 185 रुपये तक के टारगेट्स आने वाले शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक लेड की बात है मृत्युंजय जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक ऊपरी लेवल से हमने थोड़ी सी करेक्शन आते हुए देखी, और उसके बाद यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनी हुई है। मुझे लगता है कि 164-165 अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक कीमतें 165 रुपये के ऊपर नहीं निकलती यहाँ पर थोड़ा सा एक साइडवेज टू नेगेटिव कंसोलिडेशन बनते हुए देखने को मिल सकता है।
अगला सवाल प्रवीण का है, हिसार से हमारे साथ, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। मृत्युंजय जी, ये जो एक्सपायरी का डे होता है उस दिन ये इतनी उठापटक करते हैं मार्केट के अंदर, जो इंटरनेशनल से कोई रिलेशन नहीं होता उनका, तो ये कौन लोग है जो चलाते हैं, और सेबी का उस पर क्यों कोई कंट्रोल नहीं है, और नहीं है तो क्या सेबी की मिली भगत है? नहीं, किस कमोडिटी की बात कर रहे हैं आपकी? एक्सपायरी से पहले ज्यादा हलचल हो गई। जैसे सर निकल की एक्सपायरी थी, करंट वाली निकल 6% तेज की इन्होंने, जबकि इंटरनेशनल में वही खड़ी थी वो। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप हिमांशु जी? मृत्युंजय जी, बात तो इनकी है वो सही है कि यहाँ पर एक्सपायरी के दिन अक्सर बहुत वॉलेटिलिटी बनते हुए देखने को मिलती है, लेकिन यही दस्तूर है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ कमोडिटी मार्केट्स की बात नहीं है, ये इक्विटीज मार्केट की भी बात है। कमोडिटीज जब भी कभी एक्सपायरी नियर आती है तो यहाँ पर पोजीशंस रोल ओवर होती हैं, स्क्वेयर ऑफ होती हैं, मार्जिन कॉल्स होती हैं, वो तमाम कारण बनते हैं जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी बनते हुए देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि आप एक्सपायरी डे का इंतज़ार ना करते हुए पहले ही अपनी पोजीशन को रोल ओवर करें, अगर आप पोजिशनल व्यू से किसी कमोडिटी में अपनी कोई पोजीशन बनाते हैं, और बाकी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। ठीक बात है। अगला सवाल है अविनाश का, बीकानेर से है, पूछिए अविनाश। सर, मैं आने वाले एक महीने के लिए गोल्ड का व्यू देना चाहता था, इन्वेस्टर रहना चाहिए या फिर शॉर्ट में? एक महीने के लिए गोल्ड का व्यू, ओके तरुण जी, क्या एक महीने के लिए आपका गोल्ड का व्यू क्या है? देखिए, यहाँ पे दो टारगेट देना चाहूंगा। हायर साइड पे मुझे लगता है 46,000 देखा जाएगा, लोअर साइड पे 44,000, इस रेंज के बीच में अगले एक महीने के अंदर गोल्ड का प्राइस ट्रेड करते हुए नजर आएगा। ओके, और आप बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, तरुण जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा। स्वागत है आपका जी बिजनेस और NCDEX की खास सीरीज कमोडिटी की क्लास में, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देश में कमोडिटी का जो कारोबार है वो बहुत पुराना है, लेकिन इस मार्केट को पेपर बेस्ड वेयर हाउसिंग सिस्टम की वजह से काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग की दिशा में खास करके NCDEX की पहल ने पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं, और हम तेज़ी से एक मजबूत वेयर हाउसिंग सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड आखिर है क्या, और इसके जरिए कमोडिटी वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव हुआ है, और हम चर्चा करेंगे साथ साथ कि मॉडर्न वेयर हाउसिंग में इसकी कितनी बड़ी भूमिका रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, और आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड के MD केदार देशपांडे, उनसे हम बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउसिंग की दिशा में NCDEX की पहल काफी सराहनीय है। देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज NCDEX ने सितंबर 2017 में नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड यानी NERL की शुरुआत की, जिसके बाद से वेयरहाउसिंग से जुड़ी सारी सुविधाओं में जबरदस्त बदलाव हुए। इसके बाद से वेयरहाउसिंग का तौर तरीका लगातार बदलता जा रहा है। अब गोदामों में माल के बेहतर रखरखाव के साथ कोलैटरल मॉनिटरिंग के लिए अतिरिक्त लागत नहीं आती है। वेयरहाउसिंग सिस्टम के मॉडर्न होने के साथ इसमें लेन देन भी ज्यादा पारदर्शी हो गया है। सेंट्रलाइज ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से ट्रांसफर और रिसीट्स का काम आसान हो गया है। यही नहीं, पूरी वेयरहाउसिंग प्रोसेस के मजबूत होने के कारण जोखिम भी कम हुआ है। ENWR की शुरुआत के कारण कई बैंक और गैर वित्तीय संस्थाएं वेयरहाउस में रखी उपज पर कर्ज देने के लिए तैयार हैं, जिसके कारण कर्ज पर ब्याज दरों में भी खासी कमी आई है। लोन की सुविधा जल्दी जा रही है और डॉक्यूमेंट की जरूरत भी कम हुई है। शुरुआत के 3.5 सालों में NERL ने वेयरहाउसिंग क्षेत्र में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। अब तक 8,000 करोड़ से ज्यादा की इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट यानी ENWR जारी किए जा चुके हैं, और डिलीवरी वॉल्यूम का आंकड़ा 1,00,000 मीट्रिक टन को पार कर चुका है, जो अपने आप में मजबूत ग्रोथ का सबूत है।
सफलतापूर्वक ENWR को मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट में बदला गया है। ENWR को सभी तरह के वेयरहाउस द्वारा स्वीकार किया जाता है। स्थानीय स्तर पर स्वीकार होने के साथ ENWR को बड़े बैंक्स भी स्वीकार करते हैं और लगातार इसकी पैट बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है। NERL के मजबूत सिस्टम से एग्री कमोडिटी मार्केट के साथ सरकार को भी काफी फायदा हो सकता है। एग्री कमोडिटी के सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग से केंद्र सरकार के साथ राज्यों को भी फैसले लेने में मदद मिलेगी। सरकार एग्री कमोडिटी के निजी स्टॉक की उपलब्धता का रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक कर सकती है। ऐसे मजबूत सिस्टम के जरिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग, स्टोरेज और ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है। हालांकि अब भी हर वेयरहाउस को वेयरहाउसिंग रेगुलेटर WDRA के पास रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं किया गया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा होने से पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और वेयरहाउसिंग से जुड़ी सेवाओं को विस्तार करने में मदद मिलेगी। तो हमने डिटेल रिसर्च के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। MD है NERL के केदार देशपांडे साहब। देशपांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि नेशनल ई रिपोजिटरी के शुरू हुए 3.5 साल के आसपास का वक्त यहाँ पर गुजर चुका है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब तक पिछले 3.5 साल में जो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? हमें WDRA ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिया था 2017 सितंबर में। उसके बाद सबसे बड़ा जो काम था कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी सिस्टम क्रिएट की जाए, जहां पे वेयरहाउसमैन, एसएयर, बैंक्स, ऑक्शन प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ई नाम, इंटर रिपोजिटरी, ये सब काम एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए। इट वॉज एट एब्सोल्युटली पूरा का पूरा डिजिटली इस सिस्टम को बनाया जाए। तो हमको 1.5 साल लगा उसको बनाने के लिए। उसके बाद इमिजिएटली जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंजेस है उनको हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे लाया। अब उनकी पूरी की पूरी जो सेटलमेंट, उनके जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, NCDF के जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, वो आज की तारीख में ENWR के माध्यम से सेटल्ड होते हैं। उसके बाद एक एक्सचेंज इकोसिस्टम बनने के बाद हमने नॉन एक्सचेंज इकोसिस्टम में काम चालू कर दिया। नॉन एक्सचेंज इकोसिस्टम में हमने वेयरहाउसेस जोड़ने का कार्यक्रम चालू कर दिया, कस्टमर को जोड़ने का कार्यक्रम चालू किया, बैंकों को जोड़ने का कार्यक्रम चालू किया, ऑक्शन प्लेटफॉर्म को लाने का कार्यक्रम चालू कर दिया। आज अगर आप देखोगे, कुछ अगर पिछले 3 साल का अगर देखोगे काम कितना हुआ है, अगर नंबर्स के अगर बात करें, तो अभी तक हमने 8,000 करोड़ की ENWR इशू की है, 1,000 करोड़ के ऊपर फाइनेंस हुआ है। उसके बाद आज की तारीख में हमारे पास 38 बैंक्स है, नेशनलाइज बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, लोकल कोऑपरेटिव्स बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, सभी टाइप के बैंक्स भी है, और वो नंबर्स बढ़ते जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जब WDRA ने रिपोजिटरीज को अनाउंस किया था, उस टाइम पे WDRA के पास 350 से 400 वेयरहाउसेस थे। आज पूरे वेयरहाउसेस के जो नंबर्स है वो 1800 के ऊपर वेयरहाउसेस हो गए, और वो पूरे के पूरे 1800 वेयरहाउसेस में ENWR हम इशू कर सकते हैं। तो ये अगर 3 साल का, ये अगर कस्टमर्स की बात करें, तो आज हमारे पास 4,500 कस्टमर्स है इंडिया के ऑल मेन 10 स्टेट में। अगर आप स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ साइड में देखेंगे तो दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट साइड में बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात है, और साउथ साइड में अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये पूरे राज्यों में आज हम डेली ENWR इशू कर रहे हैं, डेली वेयरहाउसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो ड्राई वेयरहाउस हो या कोल्ड स्टोरेज हो, वो दोनों रजिस्टर्ड हो रहे हैं, बैंक्स उसके ENWR के ऊपर फाइनेंस कर दिए। ओके, ये सिस्टम बन गई है। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ देशपांडे जी, आपने बहुत डिटेल में बताया कि पिछले 3.5 साल में कितना कामकाज हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपसे जुड़े हैं और जो टर्नओवर आपने बताया, इसमें किसानों की कितनी भूमिका रही है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ई रिसीट कितना फायदेमंद है फार्मर के लिए खास करके।
ठीक है, अब अगर फार्मर्स की अगर हम बात करते हैं तो अंदाजा 700 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एफपीओ एक 111 115 तक एफपीओ भी जुड़े हैं। अब ये जो एफपीओ और जो फार्मर्स है वो मेनली है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, इस राज्यों से आए हैं। उनको अच्छी तरह से ईएनडब्ल्यूआर के लोन भी मिल रहा है। अगर आपको पता है तो मैं एक और एक जानकारी देना चाहता हूँ जो लोग श्रोतागण जो सुन रहे हैं, नाबार्ड की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन भी है ईएनडब्ल्यूआर के लिए। तो जो किसानों के पास केसीसी है और केसीसी लोन को अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं ईएनडब्ल्यूआर के रूप, ईएनडब्ल्यूआर के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं, तो उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन यानी सब्सिडी भी मिल जाती है। तो उनका जो प्लेज लोन है वो सस्ता होता है। तो ये 700 फार्मर जो वो जो हमारे साथ जुड़े और ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसको और मजबूत बनाने के लिए, वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री की और बेहतरी के लिए क्या कुछ होने की जरूरत और है, क्या कुछ होना चाहिए इस दिशा में संक्षेप में? आज की तारीख में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास पता ही नहीं है उनको कि एग्जैक्टली मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के पास कितना माल है, यानी कितने प्रोड्यूस उन्होंने स्टॉक है। अगर मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन आफ्टर मे बी 2000 मेट्रिक टन के ऊपर के जो भी वेयरहाउसेस है और 3000 मेट्रिक टन के ऊपर के जो भी वेयरहाउसेस है, तो एक होगा कि एक पूरे के पूरे होमोजीनियस एनवायरमेंट, एक स्वरूप में वेयरहाउसिंग पूरे बैंक में इंडिया भारत में बन जाएगा। उसमें एक होमोजीनियस एनवायरमेंट बनेगा जहां पे बैंक्स फाइनेंस भी करेंगे, एक तरीके के सिर्फ वेयरहाउसेस भी आ जाएंगे और गवर्नमेंट को पता भी चलेगा कि हमारे पास एग्जैक्टली कितना माल है। तो उसको अगर गवर्नमेंट को कभी भी मार्केट में इंटरवेन करना है तो उसके लिए उनको बहुत अच्छी तरह से वो डिसीजन ले सकते हैं, जो आज उनको थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनको इसकी वजह से एक फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंडेटरी होना एक जरूरी है। शुक्रिया जी, ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, बहुत शुक्रिया केदार देशपांडे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस दिशा में कितना कुछ काम हुआ है और कितना कुछ होना अभी बाकी है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।